हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन 17 सितंबर 2022 को आ चुका है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया। इस वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल टीयर 1 का सिलेबस बताने जा रहा हूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स सेक्शन का। तो मैं आपको जो कमीशन ने सिलेबस बताया है वो भी बताऊंगा, और उसको कैसे हम और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं और किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी का डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। और जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 का एग्जाम है वो दिसंबर 2022 को हो सकता है, यानी जो टेंटेटिव डेट है वो है दिसंबर 2022। बीसीआर से ज्यादा वैकेंसी है तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है टीयर 1 की, भले वो क्वालिफाई नेचर का क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 का सिलेबस बताता हूं मैथमेटिक्स का, जो बदला नहीं है, जो सेम ही है, यानी पहले जो था वही है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 का सिलेबस दिया है वो पिछले साल के सिलेबस की तरह ही है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। फिर चाहे वो नंबर सिस्टम के टॉपिक्स हो, एवरेज हो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्राइंगल, ग्राफ, सर्किल, ट्रिग्नोमेट्री या फिर कुछ भी हो, वो पहले की तरह ही है। अब मैं आपको यही सिलेबस थोड़ा इजी तरीके से बताता हूं, जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एसएससी सीजीएल टीयर 1 के सिलेबस को मैंने टोटल 13 चैप्टरों में डिवाइड कर दिया, ताकि आपको सिलेबस समझने में थोड़ा आसानी हो। जैसे पहला चैप्टर है बोर्ड मास, तो इससे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। दूसरा चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ एंड डिविजिबिलिटी, लासपा मासपा और विभाजता, तो एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से और एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से, तो टोटल दो क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ और डिविजिबिलिटी से पूछे जाने वाले हैं टीयर 1 2022 में। फिर तीसरा चैप्टर है एवरेज यानी औसत, इससे एक क्वेश्चन। चौथा चैप्टर है टाइम एंड वर्क यानी कार्य एवं समय, इससे एक क्वेश्चन। पांचवा चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस यानी दूरी एवं समय, इससे एक क्वेश्चन। छठा चैप्टर है रेशियो यानी अनुपात, तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सातवा चैप्टर है परसेंटेज यानी प्रतिशत, तो इससे एक क्वेश्चन आने वाला है। आठवां चैप्टर है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, लाभ हानि और छूट, तो इससे एक से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप मान के चलिए कि दो क्वेश्चन तो है ही। नौवां चैप्टर है एसआईसीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो इससे एक क्वेश्चन। दसवां चैप्टर है डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन, तो इससे चार क्वेश्चन आने वाले हैं टीयर 1 2022 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। फिर ग्यारहवां चैप्टर है एलजेब्रा यानी बीजगणित, तो इससे दो क्वेश्चन। बारहवां चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इससे तीन से चार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप तीन क्वेश्चन तो मान के चलिए। तेरहवां चैप्टर है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ज्यामिति और क्षेत्रमिति, इससे पांच क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये टोटल हो जाते हैं 25 क्वेश्चन टीयर 1 2022 के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। अब मैं आपको इन्हीं चैप्टर का डिटेल में सिलेबस बताता हूं, यानी टाइप बताता हूं आपको कि किस टाइप से कौन कौन से क्वेश्चन इन चैप्टरों से पूछे जा सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पहला चैप्टर है बोर्ड मास, जिसमें आपको बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए, यानी जब भी हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों में बोर्ड मास रूल लगाएंगे तो हमें सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना होगा, फिर उसके बाद ओ फॉर ऑफ, फिर डी फॉर डिविजन, फिर एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, फिर ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी जब भी सरलीकरण के क्वेश्चनों में हमें बोर्ड मास नियम को लगाना होगा तो सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ और फिर घटाना। और ब्रैकेट में भी हमें सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट को और फिर राउंड ब्रैकेट को। कोष्टक में भी सबसे पहले हम बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझले कोष्टक को और फिर सबसे छोटे कोष्टक को। तो यह है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास से आपका एक क्वेश्चन टीयर 1 2022 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछा जाने वाला है। बोर्ड मास के बाद है एलसीएम एचसीएफ यानी लासपा और मासपा, तो एलसीएम एचसीएफ से भी टीयर 1 2022 में एक क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछा जाने वाला है। इसके लिए आपको
सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ की कंसेप्ट पता होना चाहिए और दूसरा इसकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको पता होना चाहिए। तो इन दो टाइप से क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में बनते हैं। जब मैं आपको एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर डिटेल में कराऊंगा, उसके सभी क्वेश्चन कराऊंगा, तब मैं आपको और डिटेल में जानकारी दूंगा। जैसे अगर जो एलसीएम होता है तो किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर्स के, अगर दो नंबर्स की बात करें 1 और 2। इसके साथ ही जो प्रोडक्ट होता है एनी टू नंबर्स का, वो बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो इस टाइप के क्वेश्चन और इस टाइप की कंसेप्ट मैं आपको एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में डिटेल में करवाने वाला हूं। अभी आप ये समझ लीजिए कि एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन टीयर 1 2022 में पूछा जाने वाला है। इसके लिए हमें दो टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, पहला एलसीएम एचसीएफ के कंसेप्ट का और दूसरा इसके एप्लीकेशन का। बोर्डमास और एलसीएम एचसीएफ के बाद है डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी से भी एक क्वेश्चन आपका टीयर 1 2022 में पूछा जाने वाला है, यानी विभाजिता से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, विभाजिता का नियम पता होना चाहिए, फिर चाहे वो 2 का हो या फिर 3 का हो या फिर 4 का हो या फिर 5 का हो या फिर 6 का हो या फिर 8 का हो या फिर 9 का हो या फिर 10 का हो या फिर 11 का हो या फिर 12 का हो या फिर 72 का हो या फिर 80 का हो या फिर 90 का हो। इस टाइप से आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। इसके अलावा कुछ कंसेप्ट हैं, उनका भी डिस्कशन मैं आपसे डिटेल में जब डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, इस चैप्टर के पूरे कंसेप्ट भी बताऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल भी बताऊंगा और किस टाइप से क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से पूछे जा सकते हैं, वो भी आपके डाउट पूरे क्लियर करूंगा। तो आप ये समझिए कि आपको डिविजिबिलिटी से एक क्वेश्चन टीयर 1 2022 में पूछा जाने वाला है, जिसके लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए और कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए। अब है एवरेज यानी औसत। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो एवरेज होता है वो होता है सम डिवाइड बाय नंबर्स, औसत बराबर योग बटे संख्याएं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो टाइप फर्स्ट में आएंगे। टाइप सेकंड में हमें एक पर्टिकुलर नंबर फाइंड करना होगा। जैसे अगर उसने बोला कि 6 संख्याओं का जो औसत है वो अगर 7 है और 7 संख्याओं का औसत 9 है, तो जो 7वीं संख्या है अगर वो बतानी हो तो टाइप सेकंड में उस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। टाइप थर्ड में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट को जानेंगे। टाइप फोर्थ है बैट्समैन का। जनरली अब इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में नहीं पूछे जा रहे, लेकिन एग्जाम से पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन भी कवर करके जाएंगे। टाइप फिफ्थ है मिस्टेक, गलती हो गई, यानी गलती से लिख दिया 30 और 40, ये गलती से लिखा यानी ये रॉन्ग नंबर्स थे, और था क्या 25 और 15, तो ये राइट नंबर्स थे। तो जो रॉन्ग नंबर्स है इसका हमें एवरेज दिया होगा, ये गिवन होगा, और हमसे पूछेगा कि सही संख्याओं का औसत बताओ, यानी ये हमें फाइंड करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे टाइप फिफ्थ में। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हमारे और बचेंगे वो मिसलेनियस पार्ट यानी विभिन्न में आएंगे, वो हमारा टाइप सिक्स्थ होगा। तो ये हो गया एवरेज यानी औसत। इससे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में एक क्वेश्चन आने वाला है। एवरेज के बाद है टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय। तो इस चैप्टर से भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो है टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता गुणे समय। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो टाइम एंड वर्क का 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो इस फॉर्मूले को तो रट लीजिए। फिर जो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन होंगे उसमें हमें टाइम गिवन होगा, या तो 2 लोगों का या फिर 3 लोगों का। पहले टाइप के क्वेश्चनों में हमें समय दिया होगा या तो 2 लोगों का या फिर 3 लोगों का। सेकंड टाइप में हमें इफिशियंसीज गिवन होगी, या तो 2 लोगों की या फिर 3 लोगों की। सेकंड टाइप के क्वेश्चनों में हमें कार्य क्षमता दी होगी, या तो 2 लोगों की या फिर 3 लोगों की। थर्ड टाइप में हम वर्क 1 इक्वल्स टू वर्क 2 या फिर वर्क 1 डिवाइड बाय वर्क 2 का कंसेप्ट लगाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जो टोटल वर्क होता है वो इक्वल होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के, कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता गुणे समय। तो यहां से अगर हमें वर्क 1 बताना होगा तो वो हो जाएगा E1 इनटू T1 और वर्क 2 E2 इनटू T2। तो या तो हमें वर्क 1 इक्वल्स टू वर्क 2 या फिर वर्क 1 डिवाइड बाय वर्क 2 का कंसेप्ट टाइप थर्ड के क्वेश्चन में करना होगा। फिर फोर्थ है वेजेस यानी मजदूरी। तो वेजेस वर्क ही है, बस हम उसको रुपए में शो करते हैं। टाइप फिफ्थ है पाइप एंड सिस्टर्न, नल एवं हॉज। तो नल और हॉज के कंसेप्ट हम टाइप फिफ्थ में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जितने टाइप के क्वेश्चन बचेंगे उसको हम मिसलेनियस पार्ट में करेंगे, जो हमारा टाइप सिक्स्थ है। तो टाइम एंड वर्क
कार्य एवं समय से एक क्वेश्चन आपका टीयर वन 2022 में पूछा जाने वाला है। टाइम एंड वर्क के बाद है टाइम एंड डिस्टेंस, दूरी एवं समय। तो टाइम एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन टीयर वन 2022 में आने वाला है। यहां टोटल डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है स्पीड इंटू टाइम के, कुल दूरी बराबर चाल गुणे समय। टाइम एंड वर्क में डिस्टेंस की जगह वर्क था और स्पीड की जगह इफिशियंसी, बाकी फॉर्मूला सेम ही है। यानी आप यहां से भी टाइम एंड वर्क का वो फॉर्मूला याद रख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम टाइप फर्स्ट में करेंगे। जैसे अगर हमें डिस्टेंस बतानी हो, चाहे स्पीड बताना हो या फिर टाइम बताना हो, दूरी बतानी हो या फिर चाल बताना हो या फिर समय बताना हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे टाइप फर्स्ट में। टाइप सेकंड में हम एवरेज स्पीड यानी औसत चाल के क्वेश्चन करेंगे। टाइप थर्ड है रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्षित गति। टाइप फोर्थ स्टॉपेजेस यानी पहले ट्रेन चली या बस चली फिर रुक गई वो, फिर चलने लगी और फिर रुक गई, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे स्टॉपेजेस में, जो हमारा टाइप फोर्थ है। टाइप फिफ्थ है बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बचेंगे उसको हम मिसलेनियस पार्ट में करेंगे, जो हमारा टाइप सिक्स्थ है। तो टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन टीयर वन 2022 में पूछा जाने वाला है। टाइम एंड डिस्टेंस के बाद है रेशियो यानी अनुपात। तो रेशियो से भी एक क्वेश्चन टीयर वन 2022 में आ सकता है। इसके फर्स्ट दो टाइप है उसमें बेसिक पार्ट है रेशियो का, यानी टाइप फर्स्ट में हमें रेशियो बताना होगा। जैसे अगर ए रेशियो बी की वैल्यू दी है 1:2, बी रेशियो सी की वैल्यू दी है 2:3, तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1:2:3। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे टाइप फर्स्ट में, जो हमारा बेसिक पार्ट है रेशियो का। टाइप सेकंड में क्या होगा, हमें यही रेशियो हमें दिया होगा, जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू दे दी 1:2:3, और उसने बोल दिया कि ए की वैल्यू 100 है तो सी की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे टाइप सेकंड में। टाइप थर्ड है प्रोपोर्शनल यानी समानुपात। तो थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे टाइप थर्ड में। टाइप फोर्थ में शेयरिंग और पार्टनरशिप, हिस्सा और साझेदारी हो जाएगा। टाइप फिफ्थ है वो है एज यानी उम्र वाले क्वेश्चन। टाइप सिक्स में इनकम और सेविंग, आय और बचत के क्वेश्चन करेंगे। टाइप सेवन है मिक्सर और मिश्रण एलिगेशन, मिश्रण और मिश्रण एलिगेशन के क्वेश्चन आ जाएंगे टाइप सेवन में। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन और बचेंगे उसको हम मिसलेनियस पार्ट में कवर करेंगे। तो एसएससी सीजीएल टीयर वन 2022 में रेशियो वाले टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आने वाला है। रेशियो के बाद है परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो परसेंटेज से भी एक क्वेश्चन टीयर वन 2022 में पूछा जाने वाला है। टाइप फर्स्ट में हम बेसिक जो परसेंटेज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। जैसे जो परसेंटेज फॉर्मूला होता है वो होता है न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इंटू 100%, अंश बटे हर गुणे 100%, ये हो गया प्रतिशत फॉर्मूला। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे टाइप फर्स्ट में। टाइप सेकंड में हम प्राइस, एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन, कीमत, व्यय और खपत के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। टाइप थर्ड है सक्सेसिव यानी क्रमानुगत। तो इसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स परसेंट प्लस वाई परसेंट प्लस एक्स इंटू वाई परसेंट डिवाइड बाई 100। और जो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन भी होते हैं वो इसी टॉपिक में हम कवर करेंगे। इसके बाद टाइप फोर है वो है इनकम और सेविंग। तो रेशियो में भी इनकम और सेविंग होगा, पर वहां जो वैल्यू दी होगी वो रेशियो में दी होगी और यहां वही वैल्यू परसेंटेज में दी होगी। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बचेंगे उनको हम मिसलेनियस पार्ट में करेंगे, जो हमारा टाइप फिफ्थ है। तो परसेंटेज से टीयर वन 2022 में एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। परसेंटेज के बाद है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और छूट। तो इस चैप्टर से जनरली दो क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल टीयर वन में पूछे जाते हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन भी आता है, पर आप मान के चलिए कि दो क्वेश्चन तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से एसएससी सीजीएल टीयर वन 2022 में पूछे जाने वाले हैं। इसका जो पहला टाइप है उसमें हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया होगा, हमसे या तो वो प्रॉफिट निकालने को बोलेगा या फिर लॉस, या फिर प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। पहले टाइप के क्वेश्चनों में क्रय मूल और विक्रय मूल दिया होगा, या तो हमें लाभ बताना होगा या फिर हानि बताना होगा, या लाभ प्रतिशत बताना होगा या हानि प्रतिशत बताना होगा। टाइप सेकंड में इसके अलावा
जितने भी क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के होंगे हम उसको कवर करने वाले हैं। लाभ हानि या प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के बचे हुए क्वेश्चनों को हम टाइप सेकंड में पढ़ेंगे। टाइप थर्ड में हमें मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया होगा और हमसे वो डिस्काउंट या फिर डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का बोलेगा। टाइप थर्ड के क्वेश्चनों में बाजार मूल्य और विक्रय मूल्य दिया होगा, या तो हमें छूट बताना होगा या छूट प्रतिशत। टाइप फोर्थ में हमें डिफरेंस दिया होगा, या तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, या फिर एमआरपी और सेलिंग प्राइस का। फिर वो हमसे कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करने को पूछ सकता है, सेलिंग प्राइस भी या फिर मार्केट प्राइस भी। टाइप फोर्थ में हमें अंतर दिया होगा, या तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, या फिर बाजार मूल्य और विक्रय मूल्य का। फिर हमें या तो क्रय मूल्य बताना होगा या विक्रय मूल्य बताना होगा, या लाभ बताना होगा या हानि बताना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे टाइप फोर्थ में। टाइप फिफ्थ में हमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो बनाना होगा। इसके लिए या तो वो हमें प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज देगा और उसके साथ डिस्काउंट परसेंटेज देगा। टाइप फिफ्थ में हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और बाजार मूल्य का अनुपात बनाएंगे। इसके लिए वो हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत देगा और उसके साथ छूट प्रतिशत देगा। तो टाइप फिफ्थ में हम इन तीनों का रेशियो यानी अनुपात बना लेंगे। फिर वो हमसे जो भी वैल्यू फाइंड करने को बोलता है वो वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। टाइप सिक्स है डिस्काउंट यानी छूट। तो डिस्काउंट के क्वेश्चन आ जाएंगे टाइप सिक्स में। और टाइप सेवन में सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमानुगत छूट आ जाएगी सक्सेसिव डिस्काउंट में, जिसमें जनरली फॉर्मूला लगता है -x% -y% +x(y%) / 100। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बचेंगे उनको हम मिसलेनियस पार्ट में करेंगे, जो हमारा टाइप एट है। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से दो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में पूछे जा सकते हैं। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बाद है एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसके टाइप फर्स्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के क्वेश्चन करेंगे और टाइप सेकेंड में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के। और जो टाइप थर्ड है उसमें एसआई और सीआई का मिक्सर होगा, हमें एसआई और सीआई दोनों की वैल्यू किसी ना किसी फॉर्म में देगा और कुछ ना कुछ वो हमसे फाइंड करने को बोलेगा। टाइप फोर्थ है वो है इंस्टॉलमेंट यानी किस्त। तो ये चार टाइप के क्वेश्चन एसआई सीआई से बनते हैं और एसआई सीआई से टीयर 1 2022 में एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो हम ये चार टाइप के क्वेश्चन एसआई सीआई में पढ़ने वाले हैं। एसआई सीआई के बाद है डीआई। तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में चार क्वेश्चन आपके डीआई टॉपिक से पूछे जाने वाले हैं। डीआई में हम पढ़ेंगे टेबल चार्ट को, फिर लाइन चार्ट को, फिर पाई चार्ट को और फिर बार ग्राफ को। तो ये टोटल चार टाइप के क्वेश्चन हम डीआई वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिससे चार क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में आएंगे। डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद है एलजेब्रा यानी बीजगणित। तो एलजेब्रा से टीयर 1 2022 में दो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एलजेब्रा का जो पहला टाइप है वो है लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण, जैसे x + y + z = 9 दिया है। तो एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ एक्स वाई और जेड की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। जनरली अब इस टाइप के क्वेश्चन टीयर 1 में नहीं पूछे जा रहे, फिर भी हम बेसिक कंसेप्ट जरूर जानेंगे इनका। टाइप सेकंड है वो है सर्ट्स और इंडिसेस, घात एवं करणी। तो सर्ट्स और इंडिसेस के बेसिक कंसेप्ट और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम टाइप सेकंड में पढ़ने वाले हैं। टाइप थर्ड है बेसिक पार्ट, जैसे अगर दिया है हमें x + 1yx = 2 और अगर हमें बताना हो x की पावर कुछ भी, मान लीजिए 1991 बतानी हो, तो हमने क्या किया यहाँ x की जगह मान लिया 1, तो ये सेटिस्फाई कर दिया। फिर 1 की पावर 1991 ये 1 ही हो जाएगा। तो ये बेसिक पार्ट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे टाइप थर्ड में। टाइप फोर्थ है वो है स्क्वायर, फिर चाहे a + b का स्क्वायर बताना हो या a - b का स्क्वायर बताना हो या a² - b² बताना हो या फिर a + b + c का होल स्क्वायर बताना हो, तो ये आ जाएंगे स्क्वायर यानी वर्ग के क्वेश्चन टाइप फोर्थ में। टाइप फिफ्थ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जैसे अगर हमें दिया है ax² + bx + c = 0 और इसके जो रूट्स हैं यानी मूल है वो अगर अल्फा और बीटा है तो α + β होता है -byA और α * β हो जाता है cya। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो हमारा टाइप फिफ्थ है। इससे भी जनरली टीयर 1 में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम बेसिक कंसेप्ट जरूर जानेंगे। टाइप सिक्स है क्यूब यानी घन।
तो फिर चाहे a प्लस बी का क्यूब हो या a माइनस बी का क्यूब हो या फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब हो या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब हो या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc हो, ये आ जाएंगे टाइप 6 यानी क्यूब में। टाइप 7 है वो है कंपैरिजन यानी तुलना करना होगा। अगर मान लीजिए कहीं दिया है a प्लस बी रूट एक्स, ये किसके इक्वल है 2 प्लस 3 रूट एक्स के, तो यहां से a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू 3 होगी, तो ये कंपैरिजन हो जाएगा। और फिर अगर हमें बताना है मान लीजिए a प्लस बी का स्क्वायर, तो a की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, b की वैल्यू 3 पुट कर दी और इसका स्क्वायर कर दिया यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये आ जाएंगे टाइप 7 यानी कंपैरिजन वाले टॉपिक में। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन और बचेंगे उसको हम मिसलेनियस पार्ट में करेंगे जो हमारा टाइप 8 है। तो एलजेब्रा से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में दो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। एसएससी सीजीएल टीयर 1 में ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके ट्रिग्नोमेट्री से टीयर 1 2022 में आने वाले हैं। टाइप फर्स्ट में हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। टाइप सेकंड में a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, जिससे जो साइन a है वो cos b के बराबर हो गया, cos x sec के और cot tan के, तो ये हो गया टाइप सेकंड। टाइप थर्ड में साइन थीटा cos थीटा या फिर tan थीटा की वैल्यू दी होगी और हमसे कुछ वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है और ये एंगल थीटा है, ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो जो साइन थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल बटे कक्का। तो जैसे अब मान लेते हैं कि उसने दिया है साइन थीटा की वैल्यू 2/3, यानी 2 क्या है परपेंडिकुलर है और 3 हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 4 यानी रूट 5, तो ये बेस हो गया। ये वैल्यू दी थी उसने 2, ये वैल्यू दी थी 3, ये वैल्यू हो गई रूट 5। अब जैसे उसने हमसे टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करने को बोला, तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 2 और बेस कितना है रूट 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से ये टाइप थर्ड के क्वेश्चन हो जाएंगे। टाइप फोर्थ में हम क्या करेंगे कि थीटा की कोई वैल्यू ऐसी लेंगे जिससे जो डिनोमिनेटर यानी हर है उसकी वैल्यू 0 नहीं बनना चाहिए, यानी नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, और फिर जो वैल्यू वो हमसे फाइंड करने को बोलेगा वहां हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं, 90 डिग्री ले सकते हैं, 15 डिग्री ले सकते हैं, ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे डिनोमिनेटर 0 ना हो, हर की वैल्यू 0 ना हो यानी नॉट डिफाइंड ना हो। फिर टाइप फिफ्थ में क्या होगा कि थीटा वैल्यू लेने पर वो नॉट डिफाइंड वाला टर्म बन रहा होगा, तो वहां हमें डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री की कंसेप्ट लगा के सिंप्लीफाई करना होगा उसको। टाइप सिक्स है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। तो इसमें टेन थीटा लगाते हैं जनरली, और टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। और जो टाइप 7 है वो है मिसलेनियस, जिसमें हम मैक्सिमा मिनिमा और रेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री, जिससे एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके 2022 में पूछे जाने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो लास्ट 13th चैप्टर है वो है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ज्यामिति और क्षेत्रमिति। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का 2D पार्ट, और सेकंड पार्ट में है मेंसुरेशन 3D। तो जो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का 2D पार्ट है, ज्यामिति और क्षेत्रमिति का 2D पार्ट, उसका टाइप फर्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। टाइप सेकंड है पॉलीगन यानी बहुभुज। तो जनरली इन दोनों टाइप से टीयर 1 में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम इसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। टाइप थर्ड है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। टाइप फोर्थ है वो है इन सेंटर, मीडियन, ऑर्थो सेंटर, इन रेडियस और सर्कम रेडियस, अंतः केंद्र, माध्यिका, लंब केंद्र, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या। टाइप फिफ्थ है वो है सिमिलरिटी यानी समरूपता। टाइप सिक्स में क्या होगा कि एक हमें डायग्राम दिया होगा और हमसे किसी एंगल की वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा। टाइप सेवेंथ है वो है क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज। और जो टाइप एट्थ है
वो है सर्किल यानी वृत्त। तो ये टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन हम ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के 2D पार्ट में करने वाले हैं। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों को मिलाकर एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब मैं आपको मेंसुरेशन का 3D पार्ट का सिलेबस बताता हूं। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के 2D पार्ट के बाद मेंसुरेशन का जो 3D पार्ट है यानी क्षेत्रमिति का 3D पार्ट, उसके टाइप फर्स्ट में है क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ। फिर टाइप सेकंड में है सिलेंडर और होलो सिलेंडर, बेलन और खोखला बेलन। टाइप थर्ड है प्रिज्म। टाइप फोर्थ है कॉन और फ्रस्टम, शंकु और छिन्नक। टाइप फिफ्थ है स्पेयर और हेमी स्पेयर, गोला और अर्धगोला। और जो टाइप सिक्स्थ है वो है पिरामिड। तो टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन मेंसुरेशन के 3D पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से टोटल 5 क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में पूछे जाने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से टोटल 13 चैप्टर बनेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको अभी डिटेल में बताया। और उसके जो जो सिलेबस था टाइप वाइज उनका भी मैंने आपसे डिस्कशन किया। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो लेक्चर सीरीज में आपको कराने वाला हूं उसमें टोटल 80 से 90 लेक्चर बनेंगे, जिसमें हमारे ये पूरे 13 चैप्टर के कंसेप्ट और क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इस लेक्चर सीरीज के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि बोर्ड मास से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो मैं आपको एक लेक्चर में इस बोर्ड मास के पूरे क्वेश्चन कवर करा दूंगा। फिर उसके बाद LCM-SCF, फिर डिविजिबिलिटी, ऐसे ऐसे हम 80 से 90 लेक्चर्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 से पहले। तो आप अगर इतने क्वेश्चनों को कवर करके जाएंगे तो टीयर 1 तो क्लियर होना ही है। इसके साथ हमें टीयर 2 में भी जो मैथमेटिकल एबिलिटी है उसमें भी हेल्प होगी। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं जो मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज है या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की लेक्चर सीरीज है उसमें, और वो बाइलिंगुअल होगी यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।